Happy birthday! Go, baby. Go! आप ही सीधा प्यार रखो। कैसा लगा? ये तुम्हारी किस्मत में तो है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक है। सो ये वाले ब्लॉग के स्टार्टिंग हो रहा है जी हुसैन की बर्थडे से। सो उसकी शिकायत थी कि आप ही अपने बर्थडे पे भी नहीं आई थी और मतलब मेरा ब्लॉग भी नहीं बन पाया था। सो बच्चों की होती है यार, छोटी छोटी फरमाइशें होती है। सो मैंने कहा यार नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। सो युसरा ने मेरे लिए एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था। युसरा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने एक क्लिप रिकॉर्ड करा तो मैं यहाँ पर ब्लॉग में एडिट कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ फिर मैंने सोचा था यार मैं कहाँ से इसके ब्लॉग का क्लिप डालती। सो फिलहाल यहाँ पर देखिए जी, ये लास्ट सैटरडे की बात थी। उस दिन हम लोग गए हुए थे बाल भवन और मेरा पूरा प्लान था कि बाल भवन से बच्चों को ट्रेन में बिठा के थोड़ा उनका इन्जॉयमेंट वगैरह करा के फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अम्मी के घर पर, क्योंकि बाल भवन से अम्मी का घर का डिस्टेंस मे बी शायद 10 मिनट्स का है मुश्किल से। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट सैटरडे इतनी तूफ़ानी बारिश हुई थी कि हम सब बहुत ज़्यादा भीग गए थे, हम चारों, मेरे हस्बैंड, मैं और दोनों बच्चे। सो फिर मैंने सोचा यार मैं अब अम्मी के जाके क्या करूँगी, और फिर कपड़े वगैरह भी नहीं है हमारे पास, तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी हम घर चले जाते हैं। और मैंने इनको बोला कि तुम अपना सेलिब्रेशन ऑन रखना और क्लिप रिकॉर्ड कर लेना। सो उसके लिए ये है कि मैं अपने व्लॉग में एडिट कर दूँगी। सो यहाँ जी बस हुसैन की बर्थडे के लिए केक वगैरह आया था, अम्मी ने खाना वगैरह बनाया था जो हुसैन को पसंद है। सो हमारी इसी तरह से ट्रीट करा जाता है, जिसका भी बर्थडे होता है चाहे गर्ल हो बॉय हो, जिसकी जो फरमाइश होती है ना वो फरमाइशें पूरी की जाती है सिर्फ उसे एक दिन के लिए, रात 12 से अगली रात 12 तक। उसके बाद जी तुम कौन और मैं कौन, उसके बाद नॉर्मल रूटीन चलता है। तो यहाँ पर पैम्पर किया जा रहा था हुसैन को, हुसैन की फरमाइश वाले गिफ्ट मिल रहे थे, नानी से मिले, युसरा से मिले। मेरा गिफ्ट अभी रहता है तो वो मैं युसरा की बर्थडे जब सेलिब्रेशन होगा ना उसका व्लॉग डालूंगी, तो उसमें मैं हुसैन को गिफ्ट दे दूंगी। सो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सो अभी तक तो मैंने खुद इसके गिफ्ट नहीं देखे, अभी व्लॉग एडिटिंग के टाइम पर मुझे ध्यान आ रहा है यार मुझे इसके गिफ्ट तो देखने दे। मैंने कहा चलो ठीक है अभी मैं ये व्लॉग एडिट करती हूँ, फिर उसके बाद इसके गिफ्ट देखूंगी। सो बस यहाँ पर ट्रोफिल्स केक मंगा लिया था और बाकी अम्मी ने खाना शाना बना लिया था। हाँ कुछ कह रही हैं आप? It's too yum. पढ़ के तो सुना दो। What happy we are missing you. लीसा देखना मेरा सही आए तो लेना वरना मत लेना। नानी आप बहुत प्यारी आ रही हैं, खूबसूरत आ रही हैं, रेखा आ रही हैं। दिखाना मुझे। What happy we are missing you. हाँ। But we are shooting a vlog for you. लाओ अपना केक फिनिश कर लो। 3,000 years later. तो गाइस हम लोग हो गए रेडी, जो नहाती नहीं है तो वो तो रेडी है। हम लोग का रिव्यू लेने भूल गई, अभी क्या खाएंगे? निशानी चलाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद कर लो ये जी वीडियो शीडियो। सो मतलब इंडिपेंडेंस डे हमने काफी। तो जी बस यहाँ से शुरू होता है हमारा व्लॉग। हम लोगों ने इतनी मस्ती करी थी ना यार, ये सबसे बेस्ट 15 अगस्त गई है। छतों पे चढ़ने से बेहतर यार आप अपनी फैमिली को लेके कहीं घूमने निकलो और इस तरह का इंजॉयमेंट करो यार, बहुत मज़ा आया था। हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे शूट्स वगैरह भी करे थे और यूट्यूब के लिए भी और बच्चों ने इंस्टाग्राम के लिए भी करे थे अपने अपने। सो यहाँ पर बस मैंने रियान से बोला मेरा एक अच्छा सा फ़ोटो क्लिक कर दो इस झंडे के साथ और फिर हम रवाना होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो रहे थे। तो बस बाकी ये है सब ने कोऑपरेट करा तो हमारे शूट्स वगैरह अच्छे से हो गए थे। फिर उसके बाद हम बैठ गए, हमारा रास्ता स्टार्ट हो गया। तो यहाँ देखें स्कूल बस जा रही थी, बच्चों ने पार्टिसिपेट कर रखा था, वो 15 अगस्त की सेलिब्रेशन नहीं होती स्कूल्स में। सो बच्चे अपने अपने ड्रेस पहने हुए थे, तो मैंने कहा यार इनको हाई करो, मज़ा आता है यार बच्चे खुश होते हैं। तो हम लोगों ने हाई करा बच्चों को, बच्चों ने भी पलट के हाई करा। और यार मैं सोचती थी यार दिल्ली वाले ही अच्छे से सेलिब्रेट करते 15 अगस्त, तो दिल्ली में ही उधम होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखें आप, हम दिल्ली से बाहर थे और इतना अच्छा से सेलिब्रेट कर रहे थे यार ये 15 अगस्त, इतना अच्छा लग रहा था और इतने सारे फ्लैग्स, यार मज़ा आ गया था टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब भी अपनी कंट्री का फ्लैग देखती हूँ ना तो यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब लोग रिस्पेक्ट देते हैं ना फ्लैग को तो बहुत प्यारा लगता है, मतलब अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, आई एम श्योर बहुत अच्छा लगता होगा। सो यहाँ पर देखें जी ये नदी स्टार्ट हो गई थी और ये नदी जा रही है जी हमारी डेस्टिनेशन पर हमारे साथ साथ। गाइस अब हमने यहाँ से रिक्शा करी है, गाड़ी पार्किंग में लगा के रिक्शा में ये तो रोलर कोस्टर। अरे भैया साइड में करके लेके चलो ना तुम, देखो आराम से चलाओ भैया, इधर करके लेके चलोगे ना ये तो बिल्कुल रोलर कोस्टर। मैं वीडियो मन करती हूँ, हाथ पकड़ती हूँ उसका।
अफलातून। और इस मिठाई का नाम है जी अफलातून। है ये है अफलातून, ये है जी अफलातून मिठाई, और ये है सोहन हलवा सारा। और ये सब शॉप पर बस यही मिठाई मिलती है यहाँ पर, या फिर ये हलवा परांठा देखा है इसके अलावा हमने, बाकी सब यही है। Five minutes later. आप भी सीधा पैर रखो। Hours later. So, हम लोग आए थे जी कलियर शरीफ दरगाह में और हजरत साबरी की दरगाह पर आए थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने ज़ियारत करी और फिर उसके बाद हम लोगों ने वापस से अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि दिल्ली आने में अभी 3 घंटे बाकी थे, 3-3.5 घंटे। तो हमने कहा बस अभी फटाफट से निकलते हैं ताकि हम लोग जल्दी से पहुँचें। और देखें जी कितना प्यारा मतलब फ्लैग बना हुआ है ये दोनों साइड पर, काफ़ी अच्छा लग रहा था रोड। और बच्चों का हाल देखें ज़रा, गाड़ी में क्या हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो गए थे, सोते सोते भूख भी लगने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो आ गया हम लोग रुके जी शिवा ढाबे पर। ये आ गया जी यहाँ पर खाना शाना, दूसरा खाना निकाल रही है, अम्मी बैठी हैं, बाकी सब बैठे हैं, और अभी धीरे धीरे खाना आ रहा है। हाँ जी यहाँ पर आ चुका था सबकी पसंद का खाना, और जिसको जो खाना था उसने वो मंगाया, और माशाल्लाह टेबल हो गई थी जी फुल। और मुझे तो खाने थे बस नूडल्स, पता नहीं क्यों नूडल्स की क्रेविंग हो रही थी और फ्राइड राइस की। सो यूसरा ने तो फ्राइड राइस अपने लिए मंगवाए थे ऑब्वियसली, तो उसमें से मैंने भी ले लिए थे, बट मेरे लिए आए थे जो नूडल्स। मैंने नूडल्स आराम से इंजॉय करे और काफ़ी मज़े का खाना था यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगा। सो सब ने पेट भर के खाना वाना खाया, क्योंकि इसके बाद 1-1.5 घंटा शायद हमारा ट्रैवल रह गया था, नहीं नहीं 2 घंटे रह गए थे, वो 1 घंटा तो ऐसे ही बताया था मेरे ख्याल से वो ड्राइवर से, जब हमने कन्फर्म करा था ना तो 2 घंटे का रास्ता बताया था उन्होंने। और अब अम्मी के पैर दिखाती हूँ मैं आपको, पैर सूज गए गाइस, अम्मी के पैर सूज गए, मैं आपको दिखाती हूँ, इतने मोटे मोटे पैर हो गए अम्मी के, स्वेलिंग आ गई बहुत ज़्यादा नीचे से। ये देखिए जी अम्मी के पैर हो गए जी बहुत मोटे मोटे, और दोनों ही पैर मोटे मोटे हो गए बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ चाय पी लो। चले जी खाना शाना खा लिया है बस, और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, और फिर 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। देखा है यहाँ पे ना, वो भी है जंगल की सफारी, बस तुम तो रहने दो शॉर्टकट के दीवाने, बस इसका तो शिमला का ऐसा ख्वाब है, वो हिमाचल में ही है, हम उत्तराखंड में वो बन चल रही ना रा 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 र
तुझे चूम लूं मैं अरे नारे बाबा नान चली बने हवा हवा हराम जी सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की लगाई दिल के दिल की लगाई सगाई वन टू अंताक्षरी खेलकर थक चुके थे तो उसके बाद जी बस सो गए थे हम तो बस गाड़ी चल रही थी और हम सो रहे थे और फिर फाइनली पहुंच गए थे जी घर। The next day. So guys, ये था एक छोटा सा ब्लॉग जो आप लोगों के साथ शेयर करा। सो अम्मी ने बेसिकली विश मांगा था और मुराद थी मन्नत थी कुछ भी कह सकते हैं आप ही के लिए। सो वो पूरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही की तबीयत जो है वो अब स्टेबल होने स्टार्ट हो गई है। पिछले कुछ दिनों में आप ही की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो अम्मी के मुँह से जो निकला वो अल्लाह ने कबूल करा उस वक्त में। सो इस वजह से आप ही को ले जाना भी इस ट्रिप पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस वजह से हम उनको लेके गए। लास्ट वाले ट्रिप पर हम उनको नहीं लेके गए थे उनकी तबीयत की वजह से। वो घर पर ही थी डैडी के पास और एक आंटी को हमने बुला लिया था जो उनके सारा दिन वो टेक केयर करती रही। सो बेसिकली इस ट्रिप पर उनको ले जाना बहुत ज़रूरी था। बस ये ट्रिप लंबा भी था। हाँ ये ट्रिप थोड़ा लंबा भी था तो आप ही को ऑब्वियसली इतने टाइम के लिए हम अकेला नहीं छोड़ सकते थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह सफर बहुत अच्छा रहा। सो बस हम लोग गए थे जी कलियर शरीफ दरगाह पर। सो जो ड्राइवर थे उन्होंने हमें बता दिया था कि पहले आप इमाम साहब की दरगाह पर जाएंगी वहाँ पर सलाम करेंगी जो उनके इमाम साहब थे और फिर उसके बाद हज़रत साबरी की दरगाह पर जाकर उनको सलाम करना है। सो वहाँ का हज़रत साबरी की दरगाह पर जो हम लोग गए थे ना वहाँ का क्लिप में रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी यार। बहुत रश था बहुत ज़्यादा मतलब इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी ना उनकी ज़ियारत के लिए। तो बस मैंने वहाँ पे मोबाइल निकालना ठीक नहीं समझा था और ऊपर से हम लोग मिठाई लेके गए थे ना तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो मैंने सोचा यार बस यूसरा को मैंने मोबाइल थमाया और फिर मैंने मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करी। हमने वहाँ दुआ पढ़ी फातिहा पढ़ी और फिर उसके बाद जी हम लोग घर आ गए थे। सो आई होप सो आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके बाद जो है ना यूसरा की बर्थडे का ब्लॉग आने वाला है। सो उसके लिए हम लोग करने वाले हैं जी बहुत सारे इंतजाम। सो उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सो अभी इस व्लॉग को एंड करके दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर लेंगे। इस और में जाएंगे जी यूसरा की बर्थडे की शॉपिंग करने और उसके साथ साथ हुसैन की बर्थडे की शॉपिंग करने भी जाएंगे क्योंकि इस व्लॉग को देख के पता चला जी मैंने हुसैन की बर्थडे का गिफ्ट ले लिया है तो वो भी लेने जाएंगे। अभी मौसम हो रहा है जी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। बारिश होके अभी जस्ट रुकी है तो मौसम काफ़ी अच्छा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। हाँ काफ़ी क्लियर हो गया। सो बस अब खाना छाना खा के हम लोग निकलेंगे। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। लव यू ऑल। टेक केयर।